अगर एक खूंटा गिर गया तो क्या हो गया, इनके जाने से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माजी बीजेपी के आदमी है, बिल्कुल बीजेपी के आदमी है। क्या तो अमित शाह से मिले थे, अमित शाह से बात किए थे, कुछ तो था तभी तो ये मिले ना, जब कोई बात थी तभी ना ये मिले। और 2024 से पहले ही हम लोग ताज पहनाने वाले हैं तेजस्वी यादव को। चिराग जी कह रहे हैं कहने दीजिए, उनको क्या फर्क पड़ता है। अगर कि हो सकता है कि बीजेपी के तरफ से कोई ऑफर आया होगा, कोई चीज आया होगा कि आइए हम आपको बहुत कुछ देंगे, हो सकता है उसी लालच में ये जाते हो। नमस्कार, मैं हूँ सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। बिहार की राजनीति गर्मी की तरह अभी गर्माई हुई है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका महागठबंधन से निकलना हो गया है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री हैं नसीमा जमाल जी, हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक खूंटा तो बिखड़ गया, अब क्या? देखिए, सबसे पहले हम बता दे रहे एक खूंटा किया, हम लोग मनाना जानते हैं, नाराज हैं हम लोग मना लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले एक बात बता दूँ, ये तो बीजेपी से पहले ही ये मिल गए थे, सब पता है बीजेपी के ही आदमी है। अगर एक खूंटा गिर गया तो क्या हो गया, इनके जाने से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माजी बीजेपी के आदमी है, बिल्कुल बीजेपी के आदमी है। कह तो रहे हैं कि एक आदमी से चले जाने से महागठबंधन में ना 19 होगा ना 20 होगा, कुछ नहीं होने वाला है। उनका चार चार विधायक मंत्री भी रहे, उनके बेटे चार चार विधायक रहे, तो इससे क्या है, महागठबंधन पे कुछ होने वाला नहीं है। जब चले गए ऑलरेडी, ये बीजेपी के आदमी है, बीजेपी से मिल गए हैं तो जाना चाह रहे हैं तो चले। समाज से वो आते हैं, उस समाज के बहुत लोग हैं। नहीं नहीं, एक बात बता रहे हैं, नहीं सुनिए, समाज में जिस समाज से आते हैं बिहार में लोग हैं, ठीक है, लोग नहीं ना बदलेगा, आप तो बताइए उनके साथ रहेगा ना जी? कैसे बदल जाएगा, हम लोग मनाएंगे, मान गए तो ठीक है, नहीं मानेंगे चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। उनको बीजेपी दो तीन सीट के लिए ये गुस्सा है, नाराज है, अगर मनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, मान गए तो अच्छी बात है, और नहीं मानेंगे और चले जाएंगे तो हम लोग को महागठबंधन की सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, इन लोग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक आदमी से जाने से कुछ नहीं होगा, महासंग्राम मचा हुआ है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तमाम आपके जो विपक्ष दल हैं सब उनको बुलाने में लगे हुए हैं। नहीं नहीं, ये ऑलरेडी जब अमित शाह से मिले थे, अमित शाह से बात किए थे, कुछ तो था तभी तो ये मिले ना, जब कोई बात थी तभी ना ये मिले, जा रहे हैं, इनको हम साफ इससे पता चल रहा है। और बीजेपी वाले भी इस पे एकदम बखुआ गए हैं, क्यों? अब सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि चिराग पासवान होंगे अगले मुख्यमंत्री के चेहरा। अरे आप देखते रहिए, आप देखते रहिए, कौन मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कौन नहीं होगा, ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और 2024 से पहले ही हम लोग ताज पहनाने वाले हैं तेजस्वी यादव को। चिराग जी कह रहे हैं कहने दीजिए, उनको क्या फर्क पड़ता है। अगर मान लिए कि हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ होगा तो कहने से क्या फर्क पड़ता है, आप ही बताइए। महागठबंधन पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, कहने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो तो चले गए ना, अब जब चले गए तो आपका तो विकट नहीं भैया, एक बात बताइए, नहीं नाराज है, साफ में बोली नाराज है, मनाएंगे, अगर मान गए तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो साफ पता चल रहा है बीजेपी के आदमी है। और एक आदमी जाने से महागठबंधन पे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, एक आदमी को जाने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो खुद ही जा रहे हैं, अपने मन से जा रहे हैं, अपने खुशी से जा रहे हैं, उनका ऑलरेडी बुलाहट आ गया तो जा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है बीजेपी वाले कुछ इनको अच्छा चीज देने वाला होगा, इसी लालच में उजाते होंगे, ये भी हो सकता है, उनके मन की बात तो हम लोग नहीं ना जान रहे। एक वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका जाना एक समाज के लिए बहुत बड़ी, देखिए समाज के लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं सबसे पहले आपको बोल दी कि हो सकता है कि बीजेपी के तरफ से कोई ऑफर आया होगा, कोई चीज आया होगा कि आइए हम आपको बहुत कुछ देंगे, हो सकता है उसी लालच में ये जाते हो, कौन जान रहा अंदरूनी बात, हो सकता है इसी लालच में जाने वाले हो। तो महागठबंधन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इनको जाने से, आप बताइए, इतना दिन रहे सब कुछ ठीक रहा, एक बाइक क्यों जा रहे हैं, क्या मतलब बनता है एक बाइक जाने से? जरूर प्लानिंग हो गया है, सब बातचीत हो गई है, और सोच रहे हैं कि नहीं इधर रहेंगे तो मंत्रालय, उधर जाएंगे तो और कुछ मिलेगा। अमित शाह जी से एक बार मिलने गए हुए थे ना? बिल्कुल, अमित शाह से मिलने गए हुए थे, तभी तो हम बोले कि बीजेपी के ये आदमी है। जो बीजेपी के आदमी से मिलता है वो सोच लीजिए कि आने वाला दिन में वो जाएगा, इसलिए जाएगा क्योंकि वो बीजेपी का आदमी है, नहीं तो क्या कमी था, क्या चीज में कमी थी कि जो जा रहे हैं, आप बता दीजिए।
तो इनके जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है महागठबंधन पे। और 2024 से पहले हम लोग तेजस्वी यादव के ताज पहनाने वाले हैं, ये लोग जान ले। और बीजेपी वाले जितना बौखलाए हैं शायद 2024 में ये सपना पूरा भी ना हो और बीजेपी वाले केंद्र सरकार से भी चले जाएंगे। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, आप लोग सबको एकजुट कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे एक ही करके ना खुटा खा सकता है जी। नहीं नहीं, अब देखिए सबको हम लोग जुट कर रहे हैं, सबको ही है ठीक है। 22 तारीख को नहीं नहीं महागठबंधन की बैठक भी है, बिल्कुल राहुल जी भी आएंगे, दल के बैठक है, सारे नेता भी आएंगे बाहर से, 23 तारीख का बैठक है, तो उसी से बैठक है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि 2024 से पहले ही हम लोग तेजस्वी यादव के ताज पहनाने वाले हैं। और एक ये चले गए बीजेपी के आदमी तो प्रधानमंत्री तेजस्वी बनाना है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, हाँ, और नीतीश कुमार जी के जगह पे तेजस्वी यादव जी आएंगे, ये काहे कह रहे हैं रावत, जा रहे हैं तो जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है महागठबंधन पे। चलिए तो हमारे साथ राजद त्रि थी, इन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीज़ों को आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। कैमरामैन मनी के साथ सैफ की रिपोर्ट।